हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो गाइस आप? देखिए गाइस, हम आज आपको न्यू टॉपिक लेकर आए और जो आपका जो आज का जो टॉपिक है आपका आपके लिए वो बहुत ही अच्छा है। तो गाइस देखिए, आज हम कुछ विशेष इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक करा रहे हैं। तो गाइस ध्यान से देखना प्लीज। हमने आपको आज से पहले सिंगुलर और वो कराए थे, प्लूरल और नंबर्स कराए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सिंगुलर प्लूरल होती हैं वो तीन चीज की होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब के, दूसरे प्रोनाउन के और तीसरे नाउन के, यानी कि नाउन का दूसरा नाम है नाउन वर्ब्स। तो गाइस देखिए, सिंगुलर प्लूरल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो नहीं करा रहे, पहले कराए थे नाउन्स के, आज कराते हैं प्रोनाउन्स के, प्रोनाउन्स के सिंगुलर एंड प्लूरल। ये गाइस बहुत ही आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाले हैं। देखिए गाइस, यहां पे हम लिखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? PRONOUNS, प्रोनाउंस, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम। देखिए गाइस, प्रोनाउंस जो हिंदी होती है वो होती है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए गाइस, यहां हमारा है, ये लिखते हैं हम सिंगुलर, सिंगुलर, और ये है हमारा प्लूरल, PLURAL, प्लूरल, प्लूरल। सिंगुलर मतलब एकवचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। देखिए गाइस, ये ही है, ही का जो प्लूरल होगा वो होता है हमारा दे, THEY, ही का प्लूरल दे। ही होता मेल, सी, सी होता फीमेल, यानी ही मींस भी वह होता है और सी मींस भी वह होता है। तो सी और ही का प्लूरल सेम होता है, इसका ही प्लूरल क्या होता है? दे। अब देखिए गाइस, हम आपको इंग्लिश में आगे बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम आगे, हमारी गाड़ी चलती रहेगी, तो अपनी गाड़ी को भी चलाते रहिए, जिसके आपको हमारी ये टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस देखिए, ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे। गाइस देखिए, ये हमारा हो गया दैट, THAT, दैट का जो प्लूरल होगा वो भी हमारा क्या होगा गाइस? दे, ठीक। नेक्स्ट हमारा दिस, दिस मीन्स होता यह, तो दिस का जो प्लूरल होगा वो होगा दीज, THESE, दिस का प्लूरल दीज। नेक्स्ट देखिए गाइस, आई, गाइस देखिए, आई जो है कभी हम सिंगुलर में यूज करते हैं और कभी हम प्लूरल में यूज करते हैं, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। आई को आपको अलग से अच्छे समझाएंगे बाद में, पहले हमारी इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए गाइस। आई, आई का जो प्लूरल होगा वो होगा हमारा वी, आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम, मैं अकेला और हम दो तीन चार। देखिए गाइस, यहां तक हमारे ये कंप्लीट हो गए, आई का वी, तो बने रहिए हमारे साथ, इसका नेक्स्ट कराते हैं, कहीं जाना नहीं गाइस। देखिए इसको यहां से हम रफ कर दे रहे हैं, देखिए गाइस ये हमने आपके सामने रफ कर दिया, और हम किसका प्लूरल कराते हैं, और अब कराते हैं हेल्पिंग वर्ब का। देखिए गाइस, HELPING, गाइस हेल्पिंग वर्ब वह वर्ड्स हैं जिसके बिना कोई भी सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल है। तो सहाय, हेल्पिंग वर्ब जिसकी जो हिंदी होती है वो होती है गाइस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यहां पे हेल्प में क्या है? इज,
गाइस देखो बहुत अच्छा है ये टॉपिक आपका, बहुत अच्छा। इज, इसका भी प्लूरल क्या होगा? आर। इसका प्लूरल आर, यानी कि इज हमारा एक वचन है, आर हमारा बहुवचन है। एम अगर हमारा सिंगुलर है तो गाइस देखिए एम का जब हम वो करेंगे प्लूरल, तो एम का भी प्लूरल हमारा आर होगा। यहां है बाज, बाज हमारा सिंगुलर है और हमारा प्लूरल क्या होगा? बर। ठीक है गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और ये हम मतलब मीनिंग करा रहे हैं, जो भी आपके लिए हेल्पिंग वर्ब करा रहे हैं, अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बता दें कि आपके समझ में आ गई। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हैज हमारा सिंगुलर गाइस, इसका जो प्लूरल होगा वो होगा हैव, एच ए वी ई, हैव। हैज हमारा सिंगुलर और हैव हमारा प्लूरल। देखिए गाइस एक होता डज, डी ओ ई एस, डज। डज हमारा सिंगुलर है तो प्लूरल होगा इसका डू, प्लूरल क्या होगा इसका? डू। देखिए गाइस यह हेड है, एच ई डी, हेड। हेड का प्लूरल हेड ही रहेगा, हेड का प्लूरल हेड ही रहेगा। और यहां कराते हैं हम डिड, डी आई डी, डिड का प्लूरल डिड। क्योंकि गाइस देखिए हेड और डिड दो ऐसे बड़े हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंटेंसों में इनका यूज होता है, हेड हेड का हेड और डिड का डिड। देखिए गाइस बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, नेक्स्ट देखिए। गाइस देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सिंगुलर एंड प्लूरल। नेक्स्ट क्या बचे गाइस? बिल और सेल। तो बिल और सेल का यूज हम अलग टाइप से करते हैं, वो हम आपको फिर बताएंगे। तो देखिए गाइस कहीं जाना नहीं, हमारे साथ बने रहिए और कमेंट करते रहिए वीडियो पसंद आने पर। देखिए गाइस हमने सिंगुलर प्लूरल आपको बताए, ये हमारा बहुत अच्छा टॉपिक था। अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया इसको तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहोगे और इंग्लिश में अच्छे हो जाओगे। देखिए गाइस इसका हम आपको अच्छे से बताएंगे कि इसका यूज कहां और कब करना चाहिए। देखिए गाइस यहां पे हम डालते हैं फिल अप, फिल, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स का मतलब होता है खाली स्थान, बी एल एन की एस। ठीक है गाइस आ देखिए नंबर वन हम पॉइंट डाल दिया हमने, आगे देखिए गाइस यहां हमने ही कहा ही के साथ हम फिर ना ब्लैंक्स करेंगे, तो यहां हमने थोड़ा मैं स्पेस छोड़ दिया है और यहां हमने लगा दिया है ए डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर। और यहां पे हम लिख दे रहे हैं गाइस यूजिंग, मतलब यूज करने वाले, यूजिंग इज एम और आर, ए आर ई, इज एम आर का यूज करना है। तो इज का यूज कहां करते हैं, एम का यूज कहां करते हैं और आर का यूज कहां करते हैं? देखिए गाइस यहां पर पूछा है इज एम आर, तो इज एम आर का यूज कहां करते हैं? देखिए गाइस सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज और प्लूरल के साथ प्लूरल का यूज। देखिए गाइस कुछ हमारे नाउन्स भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं और कुछ हमारे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होते हैं और सिंगुलर, और कुछ हमारे प्रोनाउंस जो होते हैं वो भी सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। देखिए गाइस यहां पर ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही होता तो प्रोनाउन है गाइस, ही होता तो प्रोनाउन है, लेकिन जब ही सेंटेंस में आ गया तो ही बन गया हमारा सब्जेक्ट, तो ही के साथ लगाएंगे इज, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए गाइस सी, सी भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम इज लगा देंगे, ए नर्स, नर्स। देखिए गाइस नंबर थ्री यहां पे लगाते हैं आई, स्पेस लगा दिया, ए पायलट, पी आई एल ओ टी, पायलट क्या होता है? जो एरो, जो एरोप्लेन चलाता है उसको बोलते हैं पायलट।
तो आई के साथ क्या लगाएंगे एम। यूज इज एम आर का पूछा है तो इज एम आर का ही यूज करेंगे, अदरवाइज किसी का नहीं। देखिए गाइस नंबर फोर, फोर में हमने क्या लिखा यू, स्पेस कर दिया। अभी आपको छोटे छोटे सेंटेंस सिखा रहे हैं, जो छोटे छोटे से हम बड़े पर पहुंचेंगे। जब तक छोटे समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको बड़े नहीं सिखाएंगे। पहले छोटे सीखिए फिर आगे बढ़ते रहिए बड़ी बड़ी सीखने के लिए। यू यहां पर लिखते हम फार्मर, एफ आर एम ई आर फार्मर। यहां पे हम क्या लगाएंगे अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। चलते हैं यू के साथ क्या लगाएंगे आर, क्यों, क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। नंबर फाइव वी, वी और यहां हम लिख देते हैं फ्रेंड्स। देखिए गाइस ध्यान देखिए ये फ्रेंड नहीं है फ्रेंड्स, एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स, और वी तो भी हमारा प्लूरल, तो यू के साथ भी आर लगाते हैं, वी के साथ भी आर का यूज करते हैं। अभी गाइस आपको डायरेक्टली यू सिखा रहे हैं, यहां पे लगाते हैं हम दीज, दीज आर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, दीज भी हमारा प्लूरल है तो जी तो दीज के साथ भी हम आर का यूज करते हैं आर। देखिए गाइस नंबर सेवन, यहां पर लगाएंगे हम दे, टी एच ई वाई दे, और यहां स्पेस कर दिया, और यहां हम लिखते प्लेयर्स, पी एल ए बाई ई आर एस प्लेयर्स, तो दे के साथ क्या लगाते हैं हम आर। ठीक है गाइस नंबर एट, माई मदर, नंबर एट में किसकी मम्मी है, मम्मी किसकी गाइस कमेंट करके बताइए, मम्मी किसकी है, माई मदर, माई मदर का मतलब मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी कितनी है एक, क्यों, क्योंकि माई मदर, क्योंकि माई मदर है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो माई मदर क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो माई मदर के साथ लगाएंगे हम ए हाउस वाइफ, एच ओ यू एस ई हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, माई मदर क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहां पर लगाएंगे हम इज। नंबर नाइन, यहां पर हम किसी का नाम लिख देते हैं, यहां लिखते हैं रोहित, रोहित ए बॉय, तो गाइस देखिए रोहित क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए इस लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों है, किसी इंसान का जो नाम होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। नंबर टेन, यहां पे एक लड़की है, उस लड़की का नाम है प्रिया, पी आर आई बाई प्रिया, तो प्रिया भी एक नेम हो गया और रोहित भी नेम हो गया, तो जो नेम होता है किसी का वो हमारा सिंगुलर होता है, तो प्रिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्रिया कौन है ए गर्ल, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, तो यहां हम लगाएंगे एस, क्यों, क्योंकि प्रिया हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है। गाइस एक बार अपनी जिंदगी में देखिए, कोई भी चीज आप कर रहे हो तो मेन उसकी हेडिंग पढ़ो, जब तक गाइस आप हेडिंग नहीं पढ़ोगे पूरी तब तक आपके कोई चीज समझ में नहीं आएगी कि हमें करना क्या है। एक बात हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए कि ये चीज यहां पे क्यों हुई और कैसे हुई, क्यों और कैसे, बस। नेक्स्ट देखिए नंबर 11, यहां पर है माई फादर, माई फादर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर माई फादर ए टीचर, टी ए सी एच ई आर, यहां पे क्या लगाएंगे, क्योंकि माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां इसका यूज किया हमने। नंबर 12, द, यहां पे कहा देखो अगर काव है तो इसका यूज करेंगे, यहां पर हम काउज कर रहे हैं क्योंकि काव होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता और काउज है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे आर का, द काउज आर ब्लैक, बी एल ए सी के,
ठीक है गाइज, अगर आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है द ट्रायो क्लासेस। ठीक है गाइज, आज का हमारा इतना ही टॉपिक, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड इवनिंग।